रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। बताइए ना, ये जब बीच पे करते हैं तो रेत चिनचिनाने लगती है का? जो बिजनेस मेरी वजह से शुरू हुआ था आज उसी के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। भाई कॉल करके आना चाहिए था ना, आज मैं थोड़ा बिजी था। मैंने सोचा जब आपके 2 लाख रेडी हैं और ये रैप के डॉक्यूमेंट्स, तो वेट क्यों करना। जी देखिए, वेट तो हम भी नहीं करवाएंगे आपसे। 10 दिन में आपका पासपोर्ट रेडी है। ठीक है, 10 दिन के बाद मैं आपको फोन करती हूँ। थैंक यू सो मच। मोनिका, यार एक बात बताओ, ये तुमने तत्काल में पासपोर्ट चमन के चक्कर में बनवाया, ये बाहर कोई सेटिंग वेटिंग करके रखी है तुमने? क्यों, नहीं कराई होगी तो तू करा के देगा क्या? क्या तो खुद की जिंदगी में किस्मत का नेटवर्क नहीं आ रही है, तुमको मदद का हॉटस्पॉट कहाँ से दूंगा? वैसे चाहने वाले तो बहुत होंगे तुम्हारे। मेरे चाहने वाले मेरी आवाज के दीवाने हैं, मेरे नहीं। कोई असली चाहने वाला मिले और मुझे रोक के देखे तो शायद मैं रुक भी जाऊं। यार ये सब तुम्हें लगता है, तुम्हें चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। एक बार हेलो जी बोल के तो देखो है? कभी समुंदर का तैराक पैसा मारा वाला एग्जाम्पल सुना है? यार फोन पे तो तुम बातें करती हो और ये असल जिंदगी में फिल्मों के डायलॉग खेलती हो। नहीं कुछ समझ नहीं आया। चलो है? और क्या क्या करती हो तुम? कुछ और चीज़? एक बात बताओ यार सोनम, कभी रियल लाइफ में किया है? सस्पेंस है। जैसे ये सस्पेंस है कि तुम्हारी बीवी होके भी तुमसे क्यों नहीं करती। बीवी का नाम भी मत लेना। 173 दिन हो गए हमारी शादी को, साला ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं शादीशुदा हूं कि रणवा हूं। चंदू जी कहां हो आप? साला नाली में बह बह के मेरी नस्लें बर्बाद हो जा रही हैं। जब भी उसके पास जाता हूं तो ऐसे झिटक देती है जैसे कि उसका पति नहीं कोई जानलेवा बीमारी हो। उसके लिए मैं हूं ना, मेरे साथ तुम जब चाहे जो चाहे कर सकते हो। काश तुम मेरी बीवी होती यार। काश इंस्टा में मेरे 2 मिलियन फॉलोवर्स होते, उतने ही मेरे बैंक अकाउंट में, बड़ा सा घर होता और साथ में तुम होते। काश। पर मुझे तो तुम चाहिए ना, सिर्फ तुम। कहाँ थे आप? अरे आपके लिए गरम गरम गुलाब जामुन लाई हूँ। बस गुलाब जामुन ही गरम लाना, तुम ठंडी ही आना। हकी नंबर देख के बताओ कि कल रात 10:40 को किससे बात कर रहा था। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? सुबह सुबह मिर्ची खा के आई है क्या? थानेदार की तरह सवाल जवाब किए जा रही है। काकी वो सब छोड़ो कि ये क्लाइंट किस हेलोजिया से बात कर रहा था ये बताओ। सिजनिंग सोनम, मतलब सोनल। अरे ये तो इसका फिक्स क्लाइंट है, तू उसको अपना बनाने की कोशिश मत कर। काकी वो मेरा है, उसका फिक्स क्लाइंट मेरा फिक्स पति है। ओ भैंस की आंख, ये तो अखंड हो गया। लखिया का पति मेरा आशिक सोनल, तुझे पता नहीं था क्या कि तेरा कॉलर लखिया का पति है? उसने अपना नाम चंदू नहीं राहुल बताया था, कैसे समझेगा मुझे? साली गायन भी नौकर छोड़ के मार करती है और तू मेरी बेस्ट फ्रेंड होके मेरे पे मेरा घर बर्बाद कर रही है। अबे जा, कौन सा घर? शादी के 6 महीने बाद भी जो तूने नहीं बताया वो। लखिया सोनल को नहीं पता था? प्लीज हाँ, पर पता था कि ये उसको बीमारी समझती है तभी वो मेरे पास आया। चुप कर,
चंदू ने तुझे सब कुछ बता दिया? हाँ, सब बताया कि यही की शादी के 6 महीने बाद भी वो कुंवारा है। सोनल सच कह रही है? तू ककीसी का ठेका ले रखा है, मेरे पति को चरम सुख देती था। तेरा पति कहता है कि काश मैं उनकी बीवी होती। तू बदन की नहीं तो दिल की भी काली है, तूने बोल भी कैसे दिया ऐसा? सोनल आज के बाद तू मुझसे बात मत करना। मेरी बात सुन, सोनल शांत हो जा, सोनल शांत हो जा। अब मैं किसी का घर तोड़ने वाली या पति छीनने वाली लड़की नहीं हूं काकी। पर तेरी बातों से ऐसा लग रहा था कि तू चंदू पे लट्टू है। हाँ तो मुझे पता नहीं था कि मैं जैसे राहुल समझ के बात कर रही हूँ, वो लखिया का पति चंदू तो है। इसका मतलब ये सारे फसाद की जड़ चंदू हुआ ना? यार चंदू कैसे गलत हुआ, शादी की है उसने, अब वो अपनी बीवी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा तो पड़ोसन से रखेगा। कैसी बातें कर रहे हो यार। गलती लखिया की भी नहीं है। कैसे यार, उसका कोई ना कोई रीजन तो होगा। सर रहने दीजिए ना दीदी, मैं कितनी अच्छी हूँ कितनी कमीनी हूँ, मेरी क्या प्रॉब्लम है, मेरे पति की क्या प्रॉब्लम है, वो सब रहने देते ना। मैं यहाँ पे सिर्फ काम करने आई हूँ और बस काम करके जाना चाहती हूँ, बस उतना ही करते हैं ना। कूल है लखिया, हम सिर्फ काम की बात करेंगे। और एक काम और कर दीजिए, चंदू का नंबर ब्लॉक करवा दीजिए। भैया, भैया जी, राघव का पता चल गया है। तेरा पता भी चल जाएगा सुट्टी। उसके पापा की दुकान है। कौन सी? ये वाली। ओह, तो इसी सुनार को 25 लाख का बिजनेस लेने का प्लान बताया था मेरे भूषु बेबी को। भूषु बेबी? नहीं जी। अरे मैं प्राची को मॉक कर रही हूँ, तो अपना काम करना। यार फोन क्यों लग रहा है? ये फोन पड़ा पड़ा देख के बुरा लग रहा है। सेठ जी हमारी औकात तो नहीं है, फिर भी कह रहे हैं ये फोन आप रख ही लीजिए, 3 कैमरे वाला है। बेटी ब्याह दूँ उस भूतिये से? अरे आप सलमान खान थोड़ी ना है, एक बार कमिटमेंट कर दी तो तोड़ेंगे नहीं क्या? गिफ्ट है, ईएमआई का भी कोई झंझट नहीं है। आजकल गीता पढ़ रहे हो? नहीं। हमारी जूतियाँ दिख रही तुम्हें? हाँ। फिर उठाओ। नहीं माफ कर, ज्ञान कर ले। जाओ चले जाओ जी।
नमस्ते अशोक जी। अरे नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? मैं ठीक, बढ़िया। हाँ, ये आपके 80,000। ओहो हो, लक्ष्मी जी के दर्शन करा दिए आपने, बढ़िया। और ये रही आपकी सोने की चेन और कंगन, पॉलिश हमारी तरफ से गिफ्ट है आपके लिए। थैंक यू। एक बेहतर चीज दिखाता हूँ आपको। नहीं नहीं अशोक जी, कुछ खरीदना नहीं है हमें। तो बहन जी लेने को कौन कह रही है, भाई देखने के पैसे थोड़ी लगते हैं। अपनी फ्रेंड को भी दिखाइए भाई, लमसे की कारीगरी जी भी देखे। लीजिए ट्राई कीजिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अरे सुनिए तो सही, एक बार इसे ट्राई करके देखिए। देखिए देखिए देखिए, वाओ, इट्स गॉर्जियस। आपसे ज्यादा नहीं है। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई करके देखिए। कर ले। सबसे टॉप का मॉडल है, अभी तक आया हुआ पन्ने में, पर डायमंड लगा रखे। ये देखिए बहन, हमारी बात मानिए, एक बार पूरा सेट ट्राई करके देखिए। नहीं सुनिए तो सही, कुछ नहीं होता, कोई लेने की बात नहीं है, एक बार ट्राई तो करिए। ट्राई कीजिए, ट्राई। क्या बात है, सही बताऊं जी, हमारी दुकान में जितनी मॉडलों की फोटो लगी है ना, ये सब फेल है इनके सामने। थोड़ा सा ऐसे हमको लगा हमने ही बहुत बड़ा ज्ञान फैल दिया है, पर ये ज्ञान ही फैल, बहुत कुछ सीखना है हमें इससे। जी देखिए एंजेल, लग तो बड़ी प्यारी रही है तू सच में। भाई ये सेट हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट, फ्री। वाह अशोक जी, मुझे तो मेकिंग चार्जेस में भी डिस्काउंट ना दिया आपने आज तक। बहन जी व्यापारी आदमी हूँ, कुछ दूंगा तो कुछ लूंगा भी तो सही। 3 तोले का हार है, बदले में आप हमारे लिए मॉडलिंग कर लो बस। नहीं मुझे मॉडलिंग में इंटरेस्ट नहीं है। बहन जी क्या कर रही है? नहीं नहीं। अरे बहन जी भले आप बड़े शहर से हो, लेकिन लमसी वाले भी ना हमको हल्के बना लो। ये देखो ये टीवी की मॉडल है, और ये मिस परतपुरा, और ये हमारी कैलेंडर गर्ल, सबने हमारी दुकान के लिए मॉडलिंग कर रखी है, और एकदम प्रोफेशनल तरीके से, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मुझे इंटरेस्ट नहीं है, थैंक यू। तो बहन जी ज्यादा पैसे ले लो। मुझे मॉडलिंग में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप मुझे दुगनी रकम भी देंगे तो भी मैं मॉडलिंग नहीं करूंगी। थैंक यू सो मच। चल एंजी, थैंक यू। सेठ जी, सेठ जी, वैसे औकात तो है नहीं हमारी, फिर भी बता देते हैं, ये वही सेक्सी सुंदरी है जिसे भूषण घुमा रहा है आजकल। तू पागल है जी, इतना अच्छा ऑफर था यार, कैसे है मतलब? कभी शरीफों वाले काम कर लिया कर फॉर अ चेंज। मैं उस चम से भागकर शहर में आई, और तू चाहती कि पूरे शहर में मेरे होर्डिंग्स लगे, और उस चमन को इनविटेशन मिल जाएगी, आओ मेरी मारो। 3 लाख का हार था इंजी, तो कमा लेंगे ना, कौन सी बड़ी बात है, तो सुंदर भी लग रही थी। चुप बैठ। भैया मुझे माफ कर दो भैया। भैया भैया मुझे छोड़ दो भैया, मुझे माफ कर दो। बहुत स्वीट, मैं बता दूं स्वीटी कहाँ है? अरे कौन स्वीटी भैया, मुझे नहीं पता ये कौन स्वीटी है। जिसका गर्ल बात करा करता तू फोन पे। भैया मैं तो मुन्मुन से बात करता था। भैया कौन है ये स्वीटी, कौन है ये? चढ़ेगी या हथड़िया निकालेगा, टांग दूंगा स्वीटी के बारे में कुछ भी गलत बोले तो। नहीं भैया कुछ नहीं बोलूंगा भैया, मैं आपको पैसे दूंगा, मुझे छोड़ दो। मामा भैया मुझे छोड़ दो। गाड़ी आ रही है, कुछ काम करना है तो दे इसको। मेरी बात तो सुनो भैया एक बार। अरे भैया बात सुनो भैया एक बार, भैया एक बार मेरी बात सुनो भैया, भैया मुझे एक बार। अरे गाड़ी से भैया, मुझे एक नंबर याद है। एक मिनट एक नंबर याद है। बोल। हाँ भैया, मैंने उसे ना उसे पेटीएम पे पैसे भेजे थे भैया, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में इसका उसका नंबर होगा। हाँ ए पर्सनल इंजीनियर बता कौन सा है, बता रही हिस्ट्री कौन सा है इसमें, बता कौन सा है भैया। ये वाला है भैया, मुझे माफ कर दो भैया, ये तो किसी सरोज का नंबर है लमसी में। अभी सरोज कौन है? मादर मुझे नहीं पता कौन है ये सरोज, मुझे नहीं पता।
कौन स्वीटी कौन सरोजनी पता लगा लेंगे। चालम सी और गाड़ी से बहुत पप्पू।